हे गाइस, बहुत सब कैसे हैं आप सब लोग। सो चलिए गाइस, डायजोनियम सोल्ट की केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऐसी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे जहां पर ये डायजो ग्रुप रिमूव हो जाता है, यानी कि नाइट्रोजन यहां से गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाती है, तो उसको पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल केमिकल रिएक्शंस हैं, इनमें से काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस आपने पढ़ भी रखी है, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि चैप्टर एंडिंग पॉइंट पर है तो एक एक चीज़ देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठ जाए। इसीलिए मैं इसको वापस करवा रहा हूँ, तो ध्यान से उसको देखिएगा। सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सब लोग उससे वाकिफ हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन इसके साथ साथ क्लियर करता हूँ, सैंडमेयर रिएक्शन तो मैं लिखूंगा ही, ठीक है, और उसके साथ साथ मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सैंडमेयर रिएक्शन के साथ साथ मैं आपको यहीं पर ही गैटरमैन रिएक्शन भी बताऊंगा। ठीक है, गैटरमैन रिएक्शन भी बताऊंगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं इसलिए। अब यहां पर कुछ काम की चीजें, उस पर फोकस करना। चलिए सबसे पहले सैंडमेयर रिएक्शन, उसके लिए आपको देखो क्या चाहिए होता है। यहां पर डायजोनियम सोल्ट तो चाहिए, मैं यहां लिखता हूं, देखिए ये डायजोनियम सोल्ट है। ठीक है, यहां पर एन टू पे प्लस है और Cl पे माइनस है, ये डायजोनियम सोल्ट है। तो सैंडमेयर रिएक्शन के प्रोडक्ट को गौर से देखना आप लोग, ठीक है। सो यहाँ पर सैंडमेयर रिएक्शन के प्रोडक्ट देखिए, यहाँ से अगर आपने इसका रिएक्शन करवा दिया Cu2Cl2 प्लस HCl, आपको घबराना नहीं है, हो सकता है यहाँ पे CuCl भी लिखा हो प्लस HCl, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्लियर हो गया। तो इन दिस केस आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा क्लोरोबेंजीन, आसान है, ये तो सबको पता ही है। सो क्लोरोबेंजीन आपको मिलेगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर हो जाएगी, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे फॉर्म होगा। सपोज करिए कि आपने इसका रिएक्शन करवा दिया Cu2, ठीक है, Cu2Br2 से, हो सकता है यहाँ पर CuBr भी लिखा हो, तो टेंशन मत लेना, प्लस साथ में HBr भी चाहिए, तो इस केस में आपको वो ब्रोमोबेंजीन बना के देगा। फोकस करिएगा, आसान बहुत है, ब्रोमोबेंजीन प्लस ये नाइट्रोजन गैस यहां से बाहर हो जाएगी। ठीक है, ये सैंडमेयर रिएक्शंस ही हैं। प्लस साथ में अगर आप रिएक्शन इसकी कराओगे CuCN प्लस KCN से, तो इस केस में वो आपको साइनोबेंजीन बना के देगा, ये साइनोबेंजीन है, क्लियर है, साथ में नाइट्रोजन यहां से बाहर हो जाएगा। ये तीनों केमिकल रिएक्शन सैंडमेयर केमिकल रिएक्शन को शो करती है। इसके अलावा मैं आपको क्लियर करता हूं, सैंडमेयर रिएक्शन से आप आइडोबेंजीन नहीं बना सकते, फ्लोरोबेंजीन भी नहीं बना सकते, सिर्फ आप क्या बनाते हो, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बनाते हो। काफी बार ये सवाल पूछा गया कि सैंडमेयर रिएक्शन में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो आइडो और फ्लोरोबेंजीन नहीं बनते, क्लियर है। और यहां से आप देखिए, ये है सारे सैंडमेयर रिएक्शंस, लेकिन यही सेम प्रोडक्ट, ये वाले दोनों की बात कर रहा हूँ, ये आप गैटरमैन रिएक्शन से भी बना सकते हो, मैं इस तरफ लिखता हूँ। देखिए, अगर आपने इसका रिएक्शन किससे करवाया, यहाँ पर कॉपर पाउडर लिया, ठीक है, कॉपर पाउडर, और साथ में इसका रिएक्शन करवा दिया HCl से, तो इन दिस केस आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये देखिए क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा, सबको समझ में आ गया। अब देखिए प्रोडक्ट वही है, वहां पे भी क्लोरोबेंजीन मिल रहा है, यहां पे भी, लेकिन यहां पर कॉपर पाउडर और HCl की प्रेजेंस में, वहां पर CuCl और HCl की प्रेजेंस में फर्क है। सपोज करिए कि आपने कॉपर पाउडर लिया और साथ में HBr ले लिया, तो इन दिस केस आपको ब्रोमोबेंजीन भी मिल जाएगा, साइनोबेंजीन का यहां कोई केस नहीं है, क्लियर है। लेकिन अब देखो, इसको तो बोलते हैं सैंडमेयर रिएक्शन, में लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, ये सैंडमेयर रिएक्शन है। लेकिन इस तरफ क्या है हमारे पास, गैटरमैन रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं आपसे एक मजेदार बात, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि सैंडमेयर रिएक्शन के जो प्रोडक्ट होते हैं, यहां से जो मेन प्रोडक्ट है उनकी यील्ड, यानी कि उत्पादन, बिकन से प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो यहां पर आप लिख लीजिएगा, इन सैंडमेयर रिएक्शन प्रोडक्शन इज मोर, प्रोडक्शन इज मोर, यहां पर प्रोडक्शन हाई है, तो इसलिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन को। इन सैंडमेयर रिएक्शन द प्रोडक्शन इज मोर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग व्हाट, सैंडमेयर रिएक्शन, क्लियर हो गया, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हालांकि दोनों तरफ प्रोडक्ट सेम है, लेकिन वहां पर प्रोडक्शन अच्छा है। तो यह हमारा पहला केमिकल रिएक्शन हुआ, किसका, डायजोनियम सोल्ट का। यह तो सबको आता है, बड़ा नॉर्मल है, ठीक है। सो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए।
सो चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। आगे की केमिकल रिएक्शन भी बहुत आसान है। अभी तक हमने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन बना लिया। व्हाट अबाउट कि अगर हमें आइडोबेंजीन बनाना है या फिर फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो उसकी केमिकल रिएक्शन को देखिए। उसके बाद भी केमिकल रिएक्शन बहुत ईजी है, ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए सपोज करिए कि आपको यहाँ पर आइडोबेंजीन बनाना है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या लेंगे, डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, ये लिया, ये प्लस और ये माइनस। अब अगर इसका रिएक्शन आपने करवा दिया किससे, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा, KI से, ठीक है, KI से करवा दिया और थोड़ा सा आपने हीट किया, तो डेफिनेटली ये आपको क्या दे देगा, यहाँ पर आइडोबेंजीन निकाल के दे देगा। ये देखिए रिएक्शन बहुत ही आसान है, आइडोबेंजीन यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है, और प्लस साथ में KCl बाहर निकलेगा, प्लस नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाता है। बहुत ही एक्टिव ये स्पीसी है जो आसानी से आपको प्रोडक्ट बना के देती है। सपोज करिए कि आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो इन दिस केस क्या करोगे, ये देखिए जरा ध्यान से, ये हमारे पास है N2+ एंड देन Cl- बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब इसका रिएक्शन आप कराइए HBF4 से, दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो क्या होगा, यहां से जो H+ है ये Cl- को ले उड़ेगा, HCl बाहर हुआ, और ये Cl- रिप्लेस होगा BF4- से। तो देखिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास N2 पे प्लस है और यहाँ पर BF4- है। अब अगर आपने यहाँ से इसको हीट किया, ध्यान से इसको चेक करिएगा, अगर आपने यहाँ से इसको हीट किया, तो इन दिस केस आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। सिर्फ हीट करने से यहाँ पर आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगा, BF3 यहाँ से बाहर निकलेगा और नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। देखिए फ्लोरीन यहाँ रख गया, नाइट्रोजन गैस और BF3 बाहर निकलेगा, क्लियर होता है। लेकिन अगर आपने इसी कंपाउंड को, फोकस करिएगा, कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया, किसके साथ, NaNO2 के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस करिए। इसी कंपाउंड को देखिए, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब इसी कंपाउंड को कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 से हीट किया, तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिलेगा आपको। तो मैंने यहाँ पर तीन केमिकल रिएक्शन आपको एक साथ बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चेक करिए, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, क्लियर होता है, नाइट्रोबेंजीन। तो आपको इस बेसिस को ध्यान रखना है, तो ध्यान से इसको देखिए, इफ़ यू वॉन्ट टू फॉर्म आइडोबेंजीन, क्या इसे हीट करो, मिल जाएगा। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है, तो HBF4 से आप हीट करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कॉपर के साथ हीट करोगे, NaNO2 साथ में होना चाहिए, NaNO2, दिस इज O2, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट, तो इसे आपको नाइट्रोबेंजीन मिलेगा। तो यहाँ पर तीन केमिकल रिएक्शन आपके सामने और लिखी हुई हैं, इस प्रोसेस को ध्यान रखना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर हो गया। आप फर्दर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद थोड़ी सी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको ख़त्म कर लेते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस अब आगे चलते हैं, बची हुई दो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनको भी देख लेते हैं, जो कि अगेन बहुत आसान है, ध्यान से चेक करिए। सो देखिए, अगर आपने यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लिया, ध्यान से इसको चेक करिएगा, नाउ दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यहाँ पर मैं N2 लगा देता हूँ, उस पर प्लस है और Cl पे माइनस है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस पूरे ग्रुप को हटाकर यहाँ पर हाइड्राइड, एक हाइड्रोजन इसको दे देना चाहते हो, हाइड्राइड H- की फॉर्म में यहाँ पर आएगा और फाइनली ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए ये काम आप कैसे कर सकते हो, ये काम आप दो तरीके से कर सकते हो। मान लीजिए आप यहाँ पर देखिए, आप क्या करना चाहते हो, आप यहाँ पर हाइड्रोजन लगाना चाहते हो, मतलब इसका रिडक्शन, तो आप क्या करो, यहाँ पर इसकी रिएक्शन इससे कराओ जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले और इसको रिड्यूस कर दे, जैसे कि H3PO2, ठीक है। ये काम किसकी प्रेजेंस में ले, हर किसी के प्रेजेंस में नहीं होता है, इसको बोलते हैं हाइपोफोस्फोरस एसिड, इसको क्या बोलते हैं, हाइपो, मैं लिख देता हूँ, हाइपोफोस्फोरस फोस्फोरस एसिड, ये खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है और सामने वाले को रिड्यूस कर देता है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, अगर आपने इसकी रिएक्शन हाइपोफोस्फोरस एसिड से करवाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पर निकलेगा बेंजीन, क्लियर होता है, ये पूरा ग्रुप हट जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन आ जाएगा। दूसरा है, खुद को ऑक्सीडाइज करा के फोस्फोरस एसिड में ले जाएगा H3PO3, साथ में यहाँ पर नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकलेगा ही, देखिए जरा ध्यान से, नाइट्रोजन गैस तो बाहर निकलेगा ही और साथ में यहाँ पर HCl बाहर निकलेगा, क्लियर होता है सब लोगों को। ये देखिए ये प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलेंगे, इसने इसको रिड्यूस कर दिया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया, सबको समझ में आ गया। अब ये काम आप एक और तरीके से कर सकते हो, यही है हमारे पास, और प्लस में आप लगा दो यहाँ पर
क्या C2H5OH, ठीक है, एल्कोहल, इथेनॉल, ये भी इसको रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा, ध्यान से इसको चेक करेगा, ये यहां पर बेंजीन देगा नो डाउट, और खुद एल्कोहल ऑक्सीडाइज होके एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपको और साथ में क्या मिलेगा, CH3CHO प्लस साथ में N2 और प्लस साथ में HCl। फोकस करिए क्या हो रहा है, ठीक है, सो ये खुद तो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं और यहां पर रिड्यूस होकर आपको क्या दे चुके हैं, बेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन क्लियर होता है। सो ये दोनों केमिकल रिएक्शन भी बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस हुआ है, हाइड्राइड रिप्लेसमेंट हुआ है, मैं लिख देता हूं, दिस इज हाइड्राइड रिप्लेसमेंट, मतलब एच माइनस दिया गया है, क्लियर हो गया सब लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और जो कि बहुत फेमस है, सबको पता है कि अगर आपने इसको वाटर से रिएक्ट करवाया, N2 पे प्लस है, Cl पे माइनस है, तो अगर आपने इसको वाटर से रिएक्ट करवाया, वाटर में क्या होता है, HOH, तो आप खुद ही देख लो यहाँ से H और Cl, एक तो HCl बाहर निकलेगा, एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा, और OH माइनस रिप्लेस कर देगा इन सारे ग्रुप को, और फाइनली फिनॉल बनेगा, ठीक है। ये सारी केमिकल रिएक्शन हालांकि पहले मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पर रिपीट करवा रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केमिकल रिएक्शन तो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और इसको रिड्यूस कर डालेगा, ये प्रोडक्ट आपके सामने बनेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर जो सारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन थी डायजोनियम सोल्ट की, वो खत्म हो चुकी है। सो गाइज, अब अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देर मैं आपसे कहता हूं, अब जो केमिकल रिएक्शन हमें करनी है कौन सी, जिसमें डायजो ग्रुप खुद शामिल होता है, निकलता नहीं है, तो वो करेंगे हम अगली वीडियो में। टिल देन गाइज, आपको चार छोटे से काम करने, शेयर करें इन वीडियोज को, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और अच्छा सा कॉमेंट करें, ताकि हमारा मोराल बूस्ट होता रहे और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज आप लोगों के लिए हमेशा बनाते रहें। सो चलिए गाइज, अब अगली वीडियो मिलेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।